हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानने वाले हैं कृषि विभाग की ओर से गर्ल्स को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 11th 12th या फिर BSc एग्रीकल्चर, MSc या PhD में, तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति कैसे जांचे, यानी प्रोत्साहन राशि का यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो कैसे देखे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति क्या है, कब तक आपको है आपकी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे और आपको टाइप करना है www.rajkisanportal, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा और फर्स्ट इंटरफेस देखिए ऐसा राज किसान साथी पोर्टल लिखा हुआ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सेवा का अनुरोध, ये देखिए। इसमें जैसे आप इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आवेदन की स्थिति जांचे, इस पर जाना है। जैसे आप आवेदन की स्थिति जांचे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है सेलेक्ट टाइप, यानी यहाँ से आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो किस टाइप की है। तो वो किस टाइप होती है, वो सब्सिडी होती है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो सब्सिडी में आती है, तो सब्सिडी वाला ऑप्शन यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंट के लिए यहां से बोला जा रहा है, डिपार्टमेंट यहां से आपको सेलेक्ट करना है। तो डिपार्टमेंट में आपको एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे क्या करना है आपको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फिर देखिए सेलेक्ट स्कीम सब्सिडी, यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आना है और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है इंसेंटिव टू गर्ल्स, ये वाला ऑप्शन आपको यहां से सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहां पे देखिए एंटर योर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें सब्सिडी, इसमें एग्रीकल्चर और यहां पे इंसेंटिव टू गर्ल्स, ये सेलेक्ट। देखिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर है वो टाइप कर देना है, आपने जो फॉर्म फिल किया था कृषि प्रोत्साहन राशि का तो तब आपको एप्लीकेशन नंबर मिले होंगे, तो वो यहां पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर टाइप करके और देखिए सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको चले जाना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। आपकी जो प्रोत्साहन राशि है उसके टोटल 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है देखिए यहां पे एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दिया सक्सेसफुली, तो यहां पे देखिए आ जाएगा ऐसा ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा देखिए यहां पे डॉक्यूमेंट्स, यहां पे देखिए सेंशन हुए हैं तो उसका यहां पे लिखा हुआ आ गया डन सक्सेसफुली, यानी डॉक्यूमेंट्स भी यहां पे आपके सक्सेसफुली यहां पे डन हो चुके हैं। तो यहां पे देखिए दो स्टेप है पूरे हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेप में यहां पे सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेप में सर्टिफिकेट का अप्रूव होगा और पांचवें स्टेप में क्या होगा फाइनेंशियल सेक्शन होगा और छठे स्टेप में आपकी सब्सिडी है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसके देखिए टोटल 6 स्टेप होते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी कौन से स्टेज पे है। तो देख लीजिएगा यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड हो गया, यहां पे देखिए ऐसे ग्रीन हो जाएगा। अभी देखिए इसके जो एप्लीकेशन है उसके दो स्टेप है वो कंप्लीट हुए हैं, टोटल कितने हैं 6 स्टेप है। तो ये टोटल 6 स्टेप में आपकी जो प्रोत्साहन राशि है वो आती है। तो इस टाइप से आप अपनी जो प्रोत्साहन राशि है वो चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अभी क्या स्थिति है। बाकी और कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।